प्रियो, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी डली हुई हैं वेट गेन से रिलेटेड। उसके अंदर मैंने शेक बताया है, कंप्लीट डे डाइट बताई है, मसल बिल्डिंग डाइट बताई है, लेकिन फिर भी आप लोगों के मैसेज आते हैं कि भैया और डाइट बताओ ऐसी जिससे हमें और ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी ही रेसिपी शेयर करने वाला हूँ फिर से, जिससे आपको वेट गेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और स्पेशली इन जैसे बंदों के लिए। तो गाइस मैं इसको कैसे इंट्रोड्यूस करूं, मैंने इसको कम से कम अपनी 5-6 वेट गेन वीडियोस के अंदर ले रखा है, लेकिन इसका वेट बढ़ता है फिर ये दोबारा से छोड़ देता है। दूसरी बात क्या है कि इसका फील्ड ऐसा है क्योंकि फुटबॉल खेलता है, जिस वजह से बहुत ज्यादा कैलोरीज वगैरह बर्न हो जाती है इसकी, और फिर ये रेगुलर जिम भी नहीं करता। तो अभी इसकी मैं यहाँ पे एक क्लिप डालूंगा, जो आज की वीडियो के अंदर जो मैं रेसिपी बताने जा रहा हूँ वो मैंने इसको दी थी और एक हफ्ते में इसने यूज भी करी थी। भाई ने मुझे मास गेन शेक बताया वो मैंने ले रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से, और उसके बाद 8 से 10 अंडे खा रहा हूँ ना, तो काफी अच्छा फर्क आया मेरे, 4 से 5 किलो मेरा वेट बढ़ गया, मतलब 3-4 किलो वेट तो रैपिडली आपका गेन हो जाता है। और अभी ये ऐसी डाइट है जो मैं आज आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो डेफिनेटली इससे आपको वेट गेन करने में हेल्प मिलेगी। भाई ये रोनाल्डो का बहुत बड़ा फैन है, तो बस इसी चक्कर में मेरे को लगता है बॉडी नहीं बनाता। तो अभी जो इसकी बॉडी दिख रही है ना, ये मैं आप यहाँ पे साइड में एक क्लिप चला दूंगा जो एक हफ्ते पहले की है, मुश्किल से 7-8 दिन पहले की है। उसके अंदर आप देख सकते हैं कितना पतला और स्किनी नजर आ रहा होगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो काफी ज्यादा इसने वेट गेन कर लिया, 4 से 5 किलो तक वेट गेन कर लिया, उसके साथ ही अंडे भी ले रहा है। तो क्या है वो डाइट, क्या है वो रेसिपी, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी वीडियो में। गाइस अभी जिम से वर्कआउट करके मैं और मेरा भाई आ गए अभी घर पे, तो अभी जो मेरे अंडर गाइडेंस ही वो मतलब जो भी डाइट वगैरह वो सब मेरे अंडर गाइडेंस ही लेता है, लेकिन उसकी दिक्कत ये है वो लेता कुछ दिन ही है। लेकिन अगर गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ अगर 20 किलो वेट अगर आपका गेन ना हो 2 से 3 महीने के अंदर, तो मेरा नाम चेंज कर देना आप, क्योंकि ये जो डाइट है ना, अगर इसको लेने के बाद अगर आपका वेट गेन नहीं हो रहा तो आपको कहीं किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। ये वाली वीडियो देखो, इसको फॉलो करो, और डेफिनेटली एक हफ्ते के अंदर 3 से 4 किलो तो आप डेफिनेटली गेन कर जाओगे, और 10 किलो तक वेट गेन आप 1 महीने के अंदर कर सकते हो। तो डाइट के अंदर हमारे पास क्या क्या है आपको दिखा देता हूँ, जल्दी आ जाओ फटाफट कैमरामैन आगे। 100 ग्राम हमने लिए हैं ओट्स, ठीक है भाई, मैंने ये तोल के लिए, हर चीज़ आपको तोल के खानी है ताकि आपको अंदाज़ा रहे आप कितनी कैलोरीज ले रहे हैं। इसके अंदर 6 से 7 खजूर है जिसको हम डेट्स बोलते हैं। 50 ग्राम मैंने लिया है पीनट बटर, कोई सी भी कंपनी का आप पीनट बटर ले सकते हैं। उसके साथ 30 ग्राम हमने लिए हैं बादाम और काजू, ठीक है, एंड उसके साथ भाई हमने लिए हैं 3 केले, काट के मैंने रख दिए यहाँ पे 3 केले। उसके बाद किशमिश है, मैंने यहाँ पे 30 ग्राम के आसपास किशमिश लिए। इसमें थोड़ा सा आपको और हेल्प करना चाहूँगा, अगर किशमिश को अगर आप रात को अगर भिगो के रख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये सूखी हुई रहती हैं और अच्छे से ये फ्लफी हो जाएंगे जब आप इसको शेक के अंदर डालोगे, तो इसको भिगो दें। एंड शेक को बनाने से पहले भी आपको एक राय देना चाहूँगा कि अगर आप 5 मिनट के लिए इसको पानी में भिगो के रख दें, 100 ग्राम ओट्स को मैंने पूरा पानी से कवर कर दिया है, अब क्या होगा कि ये ओट्स जितना भी पानी है सारा सोक कर लेंगे और अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल खाने में एकदम मतलब पीने में जो शेक है ना आपका बहुत ही स्मूथली हो जाएगा और डाइजेस्ट भी बहुत जल्दी होगा आपको। 300 से 350 ml लेना है आपको मिल्क, ये है लो फैट मिल्क। अगर आप भैंस का दूध पीते हैं घर के अंदर तो उसके अंदर से मलाई उतार देना ऊपर वाली, ठीक है, वैसे भी अगर आपको वेट गेन करना है तो मलाई ना भी उतारो तो भी चलेगा। एंड उसके साथ में हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे शहद, यहाँ पे 1 चम्मच शहद यूज़ कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे अपनी डाइट के अंदर किसी भी तरह का यहाँ पे कोई शुगर वगैरह ऐड नहीं करा, ये सब नेचुरल शुगर हम ले रहे हैं। और ये सीरियसली अगर आप कोई सा भी गेनर लिया हो, सारे गेनर फेल है इसके आगे, अगर आप ये पी लोगे ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ 1 महीने के अंदर आके मुझसे बात कर लेना और अपना वेट गेन कितना हुआ वो मुझे ज़रूर आके बताना, लेकिन पीने की बात है कि आप पी पाओगे नहीं पी पाओगे। तो फटाफट से इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपके घर में एक मिक्सर होना चाहिए, उसके अंदर ये जो भिगोए हुए ओट्स थे ये सारे डाल लो इस तरीके से। पीनट बटर इसके अंदर डालेंगे, काजू और बादाम। गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो काजू है उसको भी आप किशमिश के साथ अगर रात को भिगो देंगे तो बहुत बढ़िया है, सुबह शेक में जब यूज़ करें तो आप भिगो दें, क्योंकि वो आपको बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो भिगोना बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप भिगो सकते हैं। इसके बाद आप डालेंगे किशमिश, डालेंगे आप इसके अंदर 3 केले, इसके बाद डालेंगे आप इसके अंदर डेट्स, इसके अंदर डालेंगे आप शहद। अगर आप चाहें तो इसके अंदर 2 चीकू और ऐड कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ ऐसा वेट गेनर शेक बन के तैयार होगा
जो मार्केट में फालतू जो गेनर खाते हो ना, जो जिसमें दुनिया भर की शुगर होती है, वो भी आर्टिफिशियल शुगर होती है, वो सिर्फ आपका पेट निकालेगी, मुंह फुलाएगी, ये आपको मसल भी बिल्ड करने में हेल्प करेगा और आपका वेट भी गेन करेगा। तो इसके बाद आप लेंगे दूध, तो इसके अंदर आप ले लेंगे 250 से 300 ml दूध, ये थोड़ा ज़्यादा है, मैं थोड़ा कम ही रखूँगा यहाँ पे। और सिंपली आप इसको एक मिनट के लिए ग्राइंड कर ले और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। सो गाइज, एज यू कैन सी हमारा शेक जो है बन के रेडी हो गया। और ये देखो, अब कुछ लोगों से भाई ये शेक एक बारी में नहीं पिया जाएगा, नहीं पिया जाएगा, क्योंकि भाई ये है कम से कम 1500 से प्लस कैलोरीज का शेक, ठीक है, तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी इसको पीने में एक बारी में। तो इसको मैं सजेस्ट करूँगा आप दो बारी में पिए, ठीक है, एक बार सुबह एम्प्टी स्टमक पी ले जितना पिया जाए, एक फिर इसको फ्रिज में स्टोर करके रख दे और फिर पी ले कभी भी दोपहर में जिम जाने से पहले, एक दो घंटे पहले आप पी सकते हैं। तो ये देखो, इसके अंदर कम से भी कम इस टाइप के 3 ग्लास बन जाएंगे। तो गाइज, जो अभी ये शेक पी रहा है ना, यही शेक इसने एक हफ्ता पिया है। कितना गाइज, यही वाला शेक है जो मैं इसको पिछले एक हफ्ते से पिला रहा हूँ। अब ये नहीं पता ये कितने दिन पिया, कितने दिन पिया भाई? मैंने 6 से 7 दिन पिया है ना पिछले हफ्ते, और सही रिजल्ट आया और साथ में 7-8 अंडे खाए हैं और 4-5 किलो वेट गेन हो गया। पर आगे कितने दिन कंटिन्यू रखेगा? आगे एक 5 दिन 6 दिन और उसके बाद फिर दोबारा छोड़ देगा। क्योंकि भाई इसको मैं डंडा करता हूँ तब जाके, क्योंकि बॉडी बनाने का क्रेज है ना हर किसी के अंदर होता है, ठीक है। इसके अंदर अब मैं इसको क्या करूँ यार, 5 साल से इसको ले रहा हूँ वीडियोस के अंदर, ठीक है, ये बार बार पतला हो जाता है, फिर इसका 5-7 किलो बढ़ाता हूँ, फिर वेट फिर बंदी के साथ निकल जाता है, फिर पता नहीं कहाँ चला जाता है, कहीं फुटबॉल खेलने चला जाता है। तो भाई ये गलती आपको नहीं करनी है, इसकी तरह एक जगह आके रुकना नहीं है, ठीक है। पिछली बार लास्ट टाइम इसका 81 तक वेट गया था इसी शेक की वजह से, और अब फिर ये दोबारा से 4 से 5 किलो गेन करा है इसने। तो ये डेफिनेटली ये जो शेक है बहुत ही टेस्टी, पी के दिखाओ और सबको बता कैसा है, झूठ मत बोलियो, जो सचो वही बताइयो। बढ़िया है, नाइस, तेरी शक्ल से ऐसा लग रहा है झूठ बोल रहा है। नहीं, सच में बहुत अच्छा है। तो गाइज ये था आज का वीडियो, तो ये शेक आपको भी ट्राई करना है। और एक बारी में कितने ग्लास पी जाता है तू? एक बारी में एक ही ग्लास पी जाता है, ज्यादा वो नहीं मेरी। तो इससे देखो, एक ही ग्लास पी जाता है, फिर एक घंटे बाद फिर एक ग्लास पीता है, फिर थोड़ी देर बाद में फिर ये जब शाम को पी पाता है तो फ्रिज में स्टोर करके। तो सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। अब मेरी बात करो तो मैं तो इसको पूरे को अकेले को पी जाऊंगा एक बारी में। तो ये है हमारा मास गेन शेक, इसको आपको ट्राई करना है, 1 महीने तक ट्राई करना है, लड़का हो चाहे लड़की हो। और डेफिनेटली 101% गारंटी लेता हूं, 10 से 15 किलो गेन ना होना तो आप बोल देना, लेकिन इसके साथ आप घर का अच्छा खाना भी खाएं। 8 अंडे आपको कम से कम खाने हैं विद एग योल्क, अगर आप बहुत ज्यादा पतले हैं तो। बीच वाला पार्ट नहीं निकालना, उसमें से बीच का पार्ट रखना है, तो डेफिनेटली आपका 10 से 15 किलो गेन हो जाएगा। और 3 महीने फॉलो करना, 20 किलो ना हो तो भाई को आगे बोलना कि भाई आप झूठ बोल रहे थे। तो मिलते हैं गाइस फिर से अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। फिर लाऊंगा इससे अगली ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, ये इतना ही मिलेगा, ठीक है। तो जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और अच्छा सा कमेंट छोड़ जाए, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी जरूर बताएं।